हेलो गाइस, व्हाट्स अप, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। सो वेलकम बैक टू माय अनदर वीडियो। सो आज हम डिटेल रिव्यू करने वाले हैं एक्सेल 6 का। सो एक्सेल 6 इसको क्यों कहते हैं, बेसिकली एक्स्ट्रा लार्ज एंड 6 इज फॉर बिकॉज ये जो गाड़ी है ये 6 सीटर है, इसलिए हम इसको एक्सेल 6 कहते हैं। सो अगर मैं बात करूँ इसके कंपैरिजन की, वो है अर्टिगा। तो बेसिकली उसी प्लेटफॉर्म पे बनाई गई है ये गाड़ी, एंड आज हम इसके प्रॉस एंड कॉन्स के बारे में बात करेंगे। सो लेट्स बिगिन द वीडियो। बात करते हैं इसके फ्रंट लुक के बारे में। आप फ्रंट से देख ही सकते हैं कि बोल्ड लुक आती है एंड मस्कुलर लुक आती है, और अर्टिगा से अगर कंपेयर करूँ तो बिल्कुल ही चेंज कर दी है इसकी लुक। सो आप देख सकते हैं फ्रंट से पूरी चेंज्ड है, एंड फ्रंट में आपको सेंटर में आपको मारुति की बैजिंग एंड क्रोम की लाइनिंग मिल जाती है आपको, एंड फ्रंट में आपको ब्लैक गार्निश की ग्रिल मिल जाती है, एंड आपको LED सेटअप्स मिल जाते हैं आपको यहाँ पे। क्वाड LED सेटअप्स बोलते हैं इनको, क्योंकि इसमें 4 LED है तो इसलिए इसको क्वाड LED बोलते हैं, एंड 2 इज फॉर हाई बीम एंड 2 इज फॉर लो बीम। सो डाउन द लाइन आपको बॉडी किट मिल जाती है, आप देख सकते हैं, एंड सिल्वर गार्निश मिलती है आपको बॉडी किट में, एंड LED प्रोजेक्टर्स मिल जाते हैं जो बहुत ही इफेक्टिव है। सो लॉन्ग ड्राइव पे बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होते हैं LED प्रोजेक्टर, एंड आपको नीचे एक सिल्वर गार्निश मिल जाती है बॉडी किट में, एंड जो कि अगेन मस्कुलर लुक प्रोवाइड करती है कार को। सो साइड से आपको, आप देख सकते हैं यहाँ पे बॉडी आर्च आपको मिल जाती है ऑल ओवर द कार आपको मिल जाती है, एंड देन अगर आप साइड में आएंगे यहाँ पे तो आपको एक ब्लैक की आपको लाइनिंग मिलेगी जो कि अगेन एक लुक एनहांस करती है गाड़ी का, एंड देन यहाँ पे आपको मिरर मिलेगा जो कि ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में है, एंड यहाँ पे आपको LED इंडिकेटर प्लेस मिलेंगे, एंड देन अगर आप साइड से गाड़ी देखें तो ऑल अराउंड आपको बॉडी आर्च मिलती है गार्ड की, आप देख सकते हैं यहाँ पे, एंड सिल्वर गार्निश मिलती है जो कि अगेन एक SUV-ish लुक प्रोवाइड करती है कार को, एंड यहाँ पे आपको क्रोम गार्निश मिलती है ऑल अराउंड द विंडोज़, एंड देन ये आपको जो रेन वाइजर्स मिलते हैं ये पार्ट ऑफ एसेसरीज है, आप लगवा सकते हैं नेक्सा से ही। सो दिस इज़ द की ऑफ द कार। आपको पीछे मारुति की बैजिंग मिल जाती है, एंड फ्रंट में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, लॉक एंड अनलॉक का ऑप्शन मिलता है, एंड अगर मैं गाड़ी को लॉक करता हूँ तो ऑटोमेटिक OR VMs भी आपकी क्लोज हो जाते हैं, आप देख सकते हैं, एंड ओपन कर एंड अनलॉक करूँगा तो ऑटोमेटिक ओपन भी हो जाएगी OR VMs। सो ऑन द टॉप आपको रूफ रेस मिल जाती है यहाँ पे सिल्वर गार्निश में, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक SUV-ish फील प्रोवाइड करती है पूरी कार में, एंड देन फ्रंट पे आपको एंटीना मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको शार्क फिन एंटीना भी मिल सकता था, बट यहाँ पे आपको फ्रंट एंटीना मिलता है, एंड देन पीछे अगर बात करेंगे तो यहाँ आपको क्रोम डोर्स मिल जाते हैं, क्रोम डोर हैंडल्स, एंड यहाँ पे आपको रिक्वेस्ट सेंसर भी मिल जाता है जो कि बोथ द साइड्स आपको मिलता है रिक्वेस्ट सेंसर, एंड आपको व्हील साइज जो मिलता है वो मिलता है 195/55 R15 ब्लैक अलॉय आपको मिलते हैं जो कि अगेन एक स्पोर्टी लुक प्रोवाइड करते हैं कार को साइड से, एंड अगर आपको इसमें 16-inch व्हील्स प्रोवाइड होते तो ज़्यादा बेटर होता, बिकॉज आप देख सकते हैं यहाँ पे इस कार की बॉडी के अकॉर्डिंग आपको जो व्हील्स मिल रहे हैं वो बहुत ही छोटे मिल रहे हैं, तो उसी के अकॉर्डिंग अगर 16-inch होते तो ज़्यादा बेटर होता। तो अब करते हैं इसकी रियर प्रोफाइल के बारे में बात। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको स्पॉइलर मिलता है जो कि एक पार्ट ऑफ एसेसरीज है, एंड यहाँ पे आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प मिलता है, एंड हेड लैम्प वॉशर मिलता है, एंड डीफॉगर मिलता है, एंड वाइपर मिलता है। सो सेंटर में मारुति की बैजिंग, एंड यहाँ पे आपको एक्सेल 6 की बैजिंग, एंड राइट हैंड साइड पे स्मार्ट हाइब्रिड की बैजिंग। सो बेसिकली ये स्मार्ट हाइब्रिड व्हीकल है जो कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज कर देता है, जब भी आपकी आइडल रहती है गाड़ी तो बैटरी पे शिफ्ट हो जाती है जो कि आपकी फ्यूल एफिशिएंसी इंक्रीज करने में हेल्प करती है। तो यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश ग्लॉसी फिनिश मिलती है जो कि अगेन बहुत ही अलग लुक प्रोवाइड करती है, डिफरेंट लुक प्रोवाइड करती है अकॉर्डिंग टू अर्टिगा। अर्टिगा में आपको ऑलमोस्ट सेम मिलेगा, बैक प्रोफाइल आपको सेम लगेगी, टेल लाइट्स भी आपको सेम मिलेगी। सो एंड इसमें आपको बस यहाँ पे आपको ब्लैक पियानो फिनिश मिल जाती है, एंड LED टेल लाइट्स मिलती है, एंड देन यहाँ पे आपको क्रोम की लाइनिंग मिल जाएगी ऑल ओवर, एंड डाउन द लाइन आपको बॉडी किट मिल जाएगी जिसमें सिल्वर गार्निश प्लेस हो रखी है, आप देख सकते हैं यहाँ पे, जो कि एक SUV-ish फील अगेन एनहांस करता है अपनी प्रोफाइल में। सो यहाँ पे आपको कैप्टन सीट्स प्रोवाइड होती है, आप देख सकते हैं लेदराइट में आपको कैप्टन सीट्स प्रोवाइड होती है। सो दिस इज़ द अल्फा वेरिएंट, सो अल्फा वेरिएंट में ही आपको लेदर सीट्स प्रोवाइड होती है।
सो अब बात करते हैं इसकी सिटिंग के बारे में। सो यहाँ पे आपको एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिल जाते हैं जो कि आप आगे पीछे एडजस्ट कर सकते हैं। एंड देन आपको सीट आपको काफ़ी अच्छी मिलती है लेदराइट में, लेदर अपहोल्स्ट्री में आपको सीट मिलती है। एंड अगर मैं नी रूम के बारे में बात करूँ तो नी रूम भी काफ़ी अच्छा मिलता है अकॉर्डिंग टू माई हाइट इज़ 5'11". एंड देन लेग रूम की बात करूँ तो लेग रूम भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा मिलता है मुझे यहाँ पे। एंड अंडर थाई सपोर्ट की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको ओके अंडर थाई सपोर्ट मिलता है, ज़्यादा नहीं मिलता। एंड काफ़ी सीट्स वाइड हैं जो कि आपका कम्फर्ट लेवल जो है वो आपका इंक्रीज करती हैं। एंड देन यहाँ पे आपको बैटरी प्लेस मिलती है। अगर रिक्लाइनिंग एंगल के बारे में बात करूँ तो आपको कम्फर्टेबल होके बैठ सकते हैं। अगर लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं तो पूरा रिक्लाइनिंग एंगल आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा है। एंड एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलता है कैप्टन सीट्स में भी, पे आपको खाली स्पेस मिलता है जो कि आप बैक सीट्स पे जा सकते हैं। यहाँ से बहुत ही ईजी होता है यहाँ से जाना बैक सीट से। और सेकंड ऑप्शन इसमें ये है कि आप इस सीट को आप फोल्ड करके या इस सीट को फोल्ड करके आप पीछे जा सकते हैं। सो अगर मैं आपको जाके दिखाऊँ पीछे, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी कि कितना स्पेस है। ये जो सीट एडजस्ट हो रखी है मेरे अकॉर्डिंग एडजस्ट हो रखी है। एंड यहाँ पे भी काफ़ी स्पेस मिलता है अकॉर्डिंग टू माई हाइट। आप देख सकते हैं कि हेडरूम कितना ज़्यादा है यहाँ पे। एंड नी रूम भी काफ़ी अच्छा खासा है। एंड थाई सपोर्ट की यहाँ थोड़ी कमी लग रही है, आप देख सकते हैं थाई सपोर्ट इतना ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। सो लॉन्ग ड्राइव के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है अगर एडल्ट पर्सन है तो। यहाँ पे 12 वॉल्ट का चार्जर मिल जाता है। एंड देन एडजस्टेबल आपको हेडरेस्ट मिलते हैं आपको पीछे भी। एंड सो ये सीट जो है आपको रिक्लाइनर मिलती है, आप इसको स्प्लिट करके अपना बूट स्पेस इंक्रीज भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको शो करूँगा। एंड जो सीट्स हैं वो आपको आइसोफिक्स सीट मिलती है आपको यहाँ पे। एंड अगर यहाँ से मुझे एंट्री करनी हो तो मैं इसको ऐसे डाउन करके एंड इसको आगे करके एंड यहाँ से भी एंट्री कर सकता हूँ मैं। सो दीज आर द टू ऑप्शन, आप फ्रंट से भी एंटर कर सकते हैं एंड यहाँ से भी एंट्री कर सकते हैं। इसके बूट स्पेस के बारे में, यहाँ आपको बटन मिल जाता है, आप उसको पुल करके ऐसे ओपन कर सकते हैं। एंड यहाँ पे आपको 209 लीटर्स का बूट स्पेस मिलता है। एंड यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा स्पेस भी मिलती है जो कि अगेन बहुत ही यूज़फुल है। प्रैक्टिकलिटी अगर देखी जाए तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा स्पेस मिल जाती है। एंड यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो आपको 3 सूटकेस ऑलमोस्ट आ ही जाएंगे यहाँ पे। एंड अगर आपको आप 4 पैसेंजर जा रहे हैं, आपको ज़्यादा लगेज स्पेस चाहिए तो आप ये सीट्स बैक सीट जो है या फोल्ड भी कर सकते हैं लाइक दिस। एंड अब जो बूट स्पेस हो गई है वो 550 लीटर्स ऑफ बूट स्पेस हो गई है जो कि अगेन बहुत ही ज़्यादा है। सो आप देख सकते हैं यहाँ पे डोर इसका, यहाँ पे आपको कंट्रोल्स मिल जाते हैं, ORVM कंट्रोल मिल जाते हैं, विंडो कंट्रोल मिल जाते हैं, ऑल ब्लैक आपको डोर मिलता है। एंड आपको यहाँ पे सिल्वर गार्निश भी मिल जाती है। एंड यहाँ पे आपको कुशनिंग भी मिल जाती है, 1 लीटर की बॉटल स्टोरेज मिल जाती है एंड एक्स्ट्रा स्पेस फॉर योर एक्स्ट्रा स्टफ। एंड यहाँ पे आपको स्पीकर मिल जाते हैं, स्पीकर की प्लेसमेंट। सो बात करते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है। एंड यहाँ पे आपको देख सकते हैं स्टोन गार्निश मिलती है जो कि आपको पहली गाड़ियों में वुडन गार्निश मिलती है, तो यहाँ पे कुछ डिफरेंट फील प्रोवाइड किया गया है। एंड सिल्वर गार्निश मिलती है यहाँ पे आपको जो कि एक प्रीमियम टच प्रोवाइड करता है पूरी कार में, आप देख सकते हैं। एंड ऑल ब्लैक का आपको कलर मिलता है। एंड अगर मैं स्टेयरिंग के बारे में बात करूँ तो यहाँ पे आपको लेदर रैप स्टेयरिंग व्हील मिलता है एंड सिल्वर गार्निश आपको मिलती है एंड फ्लैट बॉटम स्टेयरिंग व्हील मिलता है जो कि अगेन एक स्पोर्टीनेस एड ऑन करता है। एंड लेफ्ट हैंड साइड पे आपको ऑडियो कंट्रोल्स मिलते हैं, राइट हैंड साइड पे आपको क्रूज कंट्रोल्स मिल जाते हैं। सो यहाँ इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बात करूँ तो ऑल टच आपको मिलेगी एंड यहाँ पे आपको एवरेज माइलेज सब शो हो जाएगा यहाँ पे। एंड एप्पल कारप्ले एंड्रॉयड ऑटो के साथ आपको मिलता है। एंड टच रिस्पॉन्स की बात करूँ तो बहुत ही अच्छा आपको मिलता है। एंड थोड़ी सी हेजीनेस मिलती है आपको इस स्टीरियो में, बट ओवरऑल इन्फोटेनमेंट सिस्टम बहुत अच्छा मिलता है। नीचे आपको हजार्ड लाइट का ऑप्शन मिलता है एंड ऑटोमेटिक एसी कंट्रोल मिलता है आपको यहाँ पे। बटन की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी मिलती है आपको यहाँ पे, आप देख सकते हैं यहाँ पे। एंड डाउन द लाइन आपको 12 वोल्ट का चार्जर मिल जाता है। सो यहाँ पे आपको ऑक्स का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड USB का ऑप्शन भी मिल जाता है एंड वेंटिलेटेड कप का ऑप्शन आपको मिल जाता है यहाँ पे। वायरलेस चार्जिंग आपको इस सेगमेंट में नहीं मिलती है। एंड देन आपको 5 स्पीड गियर बॉक्स मिल जाता है यहाँ पे। एंड यहाँ पे आपको सिल्वर गार्निश मिलती है एंड गियर नॉब आपको लेदर रैप में मिल जाती है। एंड हैंडरेस्ट आप देख सकते हैं, एडजस्टेबल हैंडरेस्ट मिलता है एंड बहुत ही नैरो आर्मरेस्ट मिलता है आपको यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको नीचे स्पेस भी मिल जाती है। एंड देन इंस्ट्रूमेंटल क्लस्टर के बारे में बात करूँ तो आपको यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड आपको टैकोमीटर मिल जाता है एंड राइट हैंड साइड आपको स्पीडोमीटर मिल जाता है। सो इन बिटवीन आपको MID मिल जाता है एंड MID में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं MID।
एंड पावर ट्रॉक का ऑप्शन मिल जाता है जो भी जनरेट हो रहा है, एंड बैटरी की जो पावर है वो भी आपको पता लग जाती है यहाँ पे कि कितनी पावर अभी लेफ्ट है। एंड देन यहाँ पे आपको एवरेज फ्यूल इकोनॉमी एंड रेंज आपको पता लग जाती है, एंड ड्राइविंग टाइम आपको पता लग जाता है, एंड टोटल आइडल फ्यूल सेव आपका कितना हुआ है, आइडल स्टॉप टाइम आपको पता लग जाता है, एंड आउटसाइड टेम्परेचर आपको पता लग जाता है। सो यहाँ पे आपको IRVM जो मिलता है वो मैनुअल मिलता है, इस सेगमेंट की गाड़ी में ऑटोमेटिक प्रोवाइड होना चाहिए था। एंड देन आपको सन ग्लास होल्डर मिल जाता है यहाँ पे, एंड ट्विन लाइट्स मिल जाती है आपको यहाँ पे, एंड यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है विद लाइट आपको मिलता है अल्फा वेरियंट में, एंड आपको इसके नीचे वाला जो डेल्टा वेरियंट है उसमें आपको विद लाइट ही मिलता, यहाँ पे भी आपको वैनिटी मिरर विद लाइट मिलता है। सो यहाँ पे आपको ग्लोव बॉक्स मिल जाता है जो कि अगेन थोड़ा कम है साइज में, बट ठीक है, डिसेंट है अपने साइज में। ऑल ब्लैक आपको ग्लोव बॉक्स मिलता है, कूल ग्लोव बॉक्स नहीं मिलता आपको। एंड देन यहाँ पे आपको एडजस्टेबल सीट्स मिलती है, आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग आप एडजस्ट कर सकते हैं सीट्स को, एंड जो सिटिंग कम्फर्ट है फ्रंट सीट का वो काफ़ी अच्छा है, एंड साइड सपोर्ट भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। लेदर अपॉस्टी में आपको सीट मिलती है। सो आपको एक आइडिया लग ही गया होगा, क्रॉस एंड कॉन्स आपको आइडिया लग ही गया होगा क्या है, एंड अगर मैं अर्टिका से कंपेयर करूँ तो उससे थोड़ी सी प्रीमियम है एंड ज़्यादा कंफर्टेबल है, जो कि आपको 6 सीट प्रोवाइड करती है, एंड आपको कैबिन में भी थोड़ा प्रीमियमनेस फील होती है। सो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो है 13,50,000 रुपीज़, वेरी करता है डिफरेंट स्टेट्स में। सो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय। I'm just gonna